वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग गाइस। और क्या हाल चाल। तो अभी वापस से डिनर करके आ गए लाइब्रेरी से। बहुत सही आउटपुट मिलता है लाइब्रेरी जाके। मेरे रूम में थोड़ा डिस्टरबेंस है, इसी वजह से जाते और चलो फ़ायदा ही हुआ है उसका। तो अभी जो आप लोगों से डिस्कस करने वाले हैं, तो देखो जब RC सॉल्व करते हैं तो मेरे साथ भी होता था, अभी भी कभी कभी होता है, और आप लोगों के साथ भी होता होगा जो बिगनर्स हैं, कि कभी कभी ना 5 में से 5 क्वेश्चन सही हो जा रहे हैं, 5 में से 4 क्वेश्चन सही हो जा रहे हैं, और फिर जस्ट नेक्स्ट पैरा सॉरी नेक्स्ट RC जो करें उसमें एक भी क्वेश्चन सही नहीं हो रहा है, एक भी ऑप्शन करेक्ट मतलब किसी भी तरीके से नहीं हो रहा है। तो ऐसा क्यों? तो RC के अंदर ना सबसे बड़ी बात है कि एक्यूरेसी मेंटेन करना बहुत जरूरी है ऑन अ कंसिस्टेंस बेसिस। मतलब सीधी सी बात इतना बोल लो कि इतना कॉन्फिडेंस बिल्ड कर लेना है बनाते बनाते कि 5 में से 5 क्वेश्चन उसमें से 4 क्वेश्चन तो हर हाल में सही हो, बस इतना चाहिए अपने को। तो उसी को लेके 3-4 ट्रिक्स बोल दो, या मेरा प्रैक्टिस बोल दो, या फिर ये कॉमन चीज़ें जो लोग करते हैं तो वो डिस्कस कर देते, क्योंकि अभी लास्ट 3-4 दिन से ये बहुत कॉमन क्वेश्चन आ रहा है कि मेरा इंग्लिश मजबूत नहीं है, इंग्लिश मजबूत से कोई लेना देना नहीं, उसको वोकैब अच्छा नहीं है, कैसे RC करेंगे, इंग्लिश नहीं समझ में आ रहा है। तो देखो इन सब चीज़ों से उतना बहुत ज़्यादा कुछ लेना नहीं देना, प्रैक्टिस का चीज़ है। तो हम डिस्कस कर देते छोटा छोटा पॉइंट देखो, क्योंकि अब 6 ऑलमोस्ट 6 मंथ बचा है तो उसके अकॉर्डिंग ही अब पढ़ना पड़ेगा। बेसिक वाली चीज़ तो चली गई कि अब एकदम शुरू से बेसिक पढ़ रहे हो, अब 6 मंथ है उसके अकॉर्डिंग ही अपने को प्रिपरेशन करना है। तो उसमें क्या क्या चीज़ कर सकते हैं जो ज़्यादा बेटर तरीके से प्रिपरेशन हो जाए। तो एक ट्रिक है या टेक्निक, कॉमन चीज़ है स्कीमिंग। आप जब RC का बुक लोगे उसके स्टार्टिंग में स्कीमिंग लिखा हुआ रहता है। तो स्कीमिंग होता क्या है, इसको कैसे अप्लाई करते हैं? इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो पर्टिकुलर पैराग्राफ रहता है उसमें जितने वर्ड्स है वो पर्टिकुलरली सारे इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। कुछ वर्ड्स जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे उसमें से नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब्स, ये सारे वर्ड जिस टाइप के वर्ड होते हैं ये इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसमें अब इंपॉर्टेंट क्या नहीं होते हैं, उसमें जो इज, आर, एम, ऑन द, ऑफ, ये सारे वर्ड जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते उसमें। मतलब आप इन मतलब सिंपल से चीज़ें, इन सारे वर्ड को आप पढ़ते टाइप स्किप कर सकते हो। तो अभी मेरे को गलत मत समझ लेना कि स्किप कर देंगे तो फिर पढ़ेंगे कैसे। पढ़ना इस तरीके से होगा, जब आप पढ़ रहे हो ये मतलब एक दिन में तो नहीं होगा, बट 1 महीने के अंदर में या 1-2 महीने 1.5 महीने के अंदर में आदत आ जाएगा। जब आप पढ़ना शुरू करोगे थोड़ा सा आपका पढ़ने का स्पीड बढ़ जाएगा। तो आप पढ़ते टाइम ये सारे वर्ड को स्किप जब कर दोगे तो इससे क्या हुआ कि आप ये वर्ड पढ़ने के बाद जो पैरा का मीनिंग समझोगे इक्वली नहीं पढ़ने के बाद भी समझोगे, क्योंकि वो एक प्रैक्टिस बन जाएगा आपका। इससे क्या होगा कि ना थोड़ा टाइम भी बच जाएगा और जल्दी भी पढ़ लेंगे। तो देखो ये था स्कीमिंग, मतलब पढ़ने का तरीका थोड़ा 6 मंथ्स के लिए ये जल्दी से पढ़ सकते हैं। अब जो दूसरा पॉइंट आता है कि दूसरा इस प्रैक्टिस या दूसरा टेक्निक बोल लो, इसको बोलते हैं पैराफ्रेजिंग। बहुत लोग जानते होंगे पैराफ्रेजिंग क्या, जो लोग नहीं जानते उनके लिए क्लियर कर देते हैं। देखो हम अपना चीज़ बताते हैं, अपना क्या ये सबके साथ स्टार्टिंग में होता है कि जब आप कोई पैरा करोगे या RC बना रहे होगे, सारा आप समझ लो ये सारा RC पढ़ लिए, उसमें 6-7 पैरा था। उसके बाद जब आप क्वेश्चन करने गए और क्वेश्चन में जो पॉइंट लिखा है, अब पैरा पूरा RC करने के बाद क्वेश्चन पढ़ते टाइम अब आपको याद ही नहीं आ रहा कि किस पैरा में ये वाला पॉइंट पढ़े थे। और मिनिमम आप जब एक कोई RC पढ़ोगे उसमें मिनिमम 5 से 6 मिनिमम पैरा तो रहते ही रहते हैं। तो अब यहाँ पे यूज़ होता है पैराफ्रेजिंग। पैराफ्रेजिंग यूज़ कैसे करना है, जब आप कोई पैरा पढ़ोगे ना तो उसमें 2-4 वर्ड ऐसे सिमिलर या फिर यूनिक से मिलेंगे आपको हर पैरा में। तो उस टाइम क्या करना है, आपको उसी पैरा के पास या तो वो वर्ड लिख देना है, वैसा कुछ कुछ जो जो वर्ड मिले आपको यूनिक सा या जो रिपीट हो रहा हो, या फिर आप पॉइंट बना के कॉपी में लिख सकते हो कि इस पैरा में ये वर्ड, ये 2-4 वर्ड यूनिक है या रिपीट हो रहा है बार बार। तो इससे क्या होगा ना, एक तो आपका जब आप फिर वापस से उस जब क्वेश्चन का पॉइंट पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये पैरा में ये वाला वर्ड सिमिलर था, तो इससे आपका टाइम भी बच गया। तो इसी को बोलते हैं पैराफ्रेजिंग, मतलब फ्रिक्वेंट वर्ड या यूनिक या रिपीट वर्ड को पर पैरा के हिसाब से लिख लेना। तो ये हो गया पैराफ्रेजिंग। अब जो मोस्ट कॉमन चीज़ जो कि करना ही पड़ेगा हम लोगों को, और जो कि हर क्वेश्चन में ये अप्लाई कर मतलब हर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इसको अप्लाई करना पड़ेगा, ये है एलिमिनेशन विथ रीजनिंग। मतलब किसी भी क्वेश्चन के ऑप्शंस को सही आंसर ढूंढने के लिए बाकी ऑप्शन को एलिमिनेट करना, इसको बोलते हैं एलिमिनेशन विथ रीजनिंग। बट ऐसा नहीं कि ऐसे ही एलिमिनेट कर दिए। आप तो जानते हो कि जब आप कोई
क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो जब कोई क्वेश्चन आता है आरसी में तो उसके मिनिमम चार या पांच ऑप्शन तो रहते ही हैं, मतलब मिनिमम चार तो रहते ही हैं या फिर कभी कभी पांच भी रहते हैं। तो अब देखो उन चारों में एक सही है बाकी सब गलत है, बट ऐसा नहीं है कि अब सब गलत है तो क्यों गलत है ये भी पता लगाना। तो मोस्टली हम लोग क्या करते हैं ना, ये जो कि हम भी करते थे, क्वेश्चन पढ़े और सही आंसर ढूंढना शुरू कर दे कि इसका सही आंसर क्या होगा। बट आप भूल गए, आप कैट का एग्जाम दे रहे हो, ऐसे नहीं लग सकते आप। आपको सही आंसर ढूंढने के साथ साथ बाकी तीनों जो ऑप्शन है वो गलत क्यों है उसका आपको रीजन भी समझना पड़ेगा। तो सिंपल सी चीज ये है कि सही आंसर ढूंढने के साथ साथ गलत आंसर का रीजन भी ढूंढना, इसी को बोलते हैं एलिमिनेशन विथ रीजनिंग। कि आपने सही आंसर तो ढूंढा ही ढूंढा, कि आपको सही आंसर का रीजन पता है, बट बाकी तीनों ऑप्शन गलत क्यों है इसका भी आपको रीजन पता है, तो इसको आप कैसे करेंगे, इसका प्रैक्टिस कैसे डालेंगे। तो सिंपल सा चीज, जब शुरू में हम भी करते थे कि जब आप सॉल्व कर रहे होगे तो जो आपको सही लग रहा होगा उसके नीचे उसका रीजन लिख देना या पॉइंट बना के कॉपी में, या फिर और जो गलत लग रहा होगा उसके बगल में भी उसके नीचे में उसका पॉइंट लगे कि हाँ ये गलत इस रीजन से और ये सही इस रीजन से। फिर जब आप डे बाय डे प्रैक्टिस करते जाओगे तो आप मेंटली प्रिपेयर हो जाओगे कि आपको कॉपी में नहीं लिखना पड़ेगा, आप बस मतलब मेंटली समझ लोगे कि हाँ ये रीजन इसका, इस आंसर का रीजन ये है सही के लिए और गलत के लिए ये रीजन है। और हाँ एक चीज, तुक्का नहीं लगाना है कि हाँ मेरे को ये सही लग रहा है और लगने वाला चीज, तुक्का और मेरे को लग रहा है ये दोनों चीज नहीं करना है, नहीं तो ये क्वेश्चन बहुत कभी कभी तो सही हो जाएगा बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये गलत हो जाता है। करना एलिमिनेशन विथ रीजनिंग, धीरे धीरे ये प्रैक्टिस हो जाएगा। तो आई होप कि आप जिनको भी वीआरसी शुरू कर रहे होंगे अभी उनके लिए हेल्पफुल हो गया हो। तो आज के लिए इतना ही था, क्योंकि अभी फिर नोवेल पढ़ेंगे सो जाएंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियोस पसंद आया होगा, आपके लिए यूजफुल होगा। आया हो तो लाइक कर दो और जाते जाते वो सब्सक्राइब बटन दबा दो। और कुछ भी पूछने या सजेशन के लिए कॉमेंट बॉक्स तो है इंस्टाग्राम टेलीग्राम। और हाँ, टेलीग्राम से याद आया, नया वो पुराना ग्रुप किसी रीजन से नहीं चल रहा है अभी, उसको वो बंद पड़ा हुआ है, तो न्यू ग्रुप बना दिए। न्यू ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, जो जो थे पहले वो अगर वापस से आना चाहते तो आ सकते हैं। मेरे लिए बहुत यूजफुल था, बाकियों के लिए भी यूजफुल था, और जो नए लोग हैं वो भी जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल, टाटा बाय बाय।